बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जुलूस उस्मान किस नंबर 154 के हवाले से हम एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। गुंजे की शादी अब सुलेमान बे से होगी, ये कैसे मुमकिन होगा? इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रियल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। क्या गुंजे की शादी सुलेमान बे से होगी, ये कैसे मुमकिन होगा? गुंजे के शादी के बारे में हम आपको बताते चले तो 50% चांस लग रहा है ऐसा होगा कि गुंजे के घर वाले उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और वो मान जाएगी। कल आपने ट्रेलर में देखा होगा कि मोहम्मद ने गुंजे से कहा कि आपकी शादी सुलेमान बे से होगी। वो परेशान हुई और कहा कि मुझसे पूछे बगैर ये क्यों किया? मोहम्मद ने कहा कि आपको हमारी रियासत की खातिर करना होगा। एक और जगह ट्रेलर में आपने देखा होगा कि फातिमा गुंजा से कहती है आप ऐसी शादी करोगी जो तुझे पसंद नहीं, तो गुंजा कहती है मजबूरन करना पड़ेगा। 50% चांस लग रहा है। बहुत से नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि अब ओलोफिरे की शादी उरहान बे से कैसे होगी, ये वापस जाना चाहती हैं। नाजरीन हम आपको बताते चले कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओलोफिरा वापस कहीं नहीं जा रही, पहले जाना चाहती थी, अब हालात थोड़े मुख्तलिफ हुए हैं इसलिए अब ओलोफिरा नहीं जाएगी। जो रुकावटें पैदा हुए थे वो अब दूर हो जाएंगे। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आयशा ने खेमे को आग लगाकर दहेज के सारा सामान जला दिया है। जो शादी होने वाली थी उरहान और एलचम की अब वो नहीं होगी क्योंकि दहेज का सारा सामान जल गया, अब शादी ताखिर का शिकार होगी। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। जब एलचम खातून को ये सब पता चलेगा कि ये सब मेरे भाभी ने किया है और जब ओलोफिरा के बारे में ये पता लगेगा कि ओलोफिरा बेकसूर है, इसके बाद एलचम खातून बहुत पछताएगी और उसको जब ओलोफिरा के बारे में ये भी पता लगेगा कि ओलोफिरा अभी तक जिंदा है, मरी नहीं, तो ऐसा भी मुमकिन है कि एलचम खातून खुद ओलोफिरा की शादी उरहान से करे। ये इतना आसान नहीं होगा, रुकावटें जरूर पैदा होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल रियल अमेजिंग फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।